कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने यहां पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं, कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहाँ पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है, आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। ईवीएम पर भी सवाल उठाया आपने शुरू से, ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। अखिलेश जी, आपकी लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी से, आपको लगता है देश का पिछले 10 सालों के अंदर जो हश्र है वो बुरा हुआ है? देखिए, पिछले 10 साल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, आम लोगों के जीवन को जो सुधारने का रास्ता होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, वो नहीं रहा सरकार का। और हम किसी चीज को देखें, आज दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं, ज़रूरत की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, बिजली महंगी खरीदनी पड़ रही है और किसी के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं, विकसित भारत बनना चाहते हैं, लेकिन पर कैपिटल इनकम क्या है आपकी? आपके बैंक्स ने लोन माफ़ किया उद्योगपतियों का, बड़े लोगों का, आपने किसानों का लाखों रुपया नहीं माफ़ किया, आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का करोड़ों रुपये माफ़ कर दिया। ये आप किस रास्ते देश को ले जाने का काम कर रहे हैं? और जिस देश में जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल लॉ लेबर उसकी तरफ से कि 83% नौजवान नौकरी और बेरोजगार है, आप अग्निवीर जैसी व्यवस्था ला रहे हैं जिसको कभी नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हर पेपर लीक हुआ जिसके बारे में आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं, तो आखिरकार जनता वोट क्यों दे? आपने आय दोगुनी की बात कही, आय दोगुनी नहीं हुई। आपने 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, वो नहीं हुआ। तो आपके पिछले 10 साल में हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले। किसानों ने आत्महत्या जो 10 साल में की है, वो 1 लाख किसान हैं। आपने 3 काले कानून लाने का काम किया, हजारों किसान आत्महत्या कर लिया, आपने किसानों को थार से कुचला। तो ये कोई किसान न भूलने वाला है, न जनता भूलने वाली है। लोकतंत्र को खतरा पैदा किया है, संविधान को खतरा पैदा किया है ये चुनाव, जहाँ मतदाताओं से मैं कहूँगा एक वोट डाल करके अपनी जीवन की खुशहाली लाने के लिए रास्ते बनाएं, वहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करें।